डियर फ्रेशर सिविल इंजीनियर, आप जब भी किसी मॉल में जाते हो तो आपको यह महसूस नहीं होता है क्या कि ऐसी टाइप के मॉल बनाने में मेरा कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं है, मुझे क्या पता नहीं है और मैं यह क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ? क्या मैं ऐसे मॉल के कंस्ट्रक्शन देख के घबरा गया हूँ और इन कंपनी के साथ मुझे क्यों नहीं काम करना है? ध्यान से सुनो, ऐसे मॉल बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें स्ट्रक्चर को ऐसा डिजाइन किया जाता है जैसे कि ह्यूज पार्किंग, ह्यूज अमाउंट ऑफ एयर कंडीशनर्स, कॉम्प्लेक्स डिजाइन ऑफ द लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिकल और प्रॉपरली डिजाइन किया हुआ वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज सिस्टम। दोस्तों, और यह सब इंफ्रास्ट्रक्चर खूबसूरत और आसानी से समझ में आने वाला होना चाहिए। अभी हमने मॉल की बात की, पर ऐसे ही कॉम्प्लेक्स डिजाइन हॉस्पिटल्स, कमर्शियल आईटी ऑफिस बिल्डिंग्स, यूनिवर्सिटीज, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन एंड बस स्टैंड, स्टेडियम और ऐसे अगणित कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर आज के दौर में बिल्ड हो रहे हैं। सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में अप्रैल 2000 में गेम चेंजर टेक्नोलॉजी लॉन्च हो गया। यह टेक्नोलॉजी में आप रियल टाइम वर्चुअल बिल्डिंग बना सकते हो दोस्तों। इस टेक्नोलॉजी की वजह से आज के दौर के सारे कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। क्या आप यह टेक्नोलॉजी गेस कर पा रहे हैं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में उस टेक्नोलॉजी का नाम आप लिख सकते हो। दोस्तों, मैं BIM टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूं। इसका फुल फॉर्म है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग और शॉर्टकट में हम इसे BIM भी बोलते हैं। इस टेक्नोलॉजी को ध्यान से इंटरप्रेट करो। बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, इसका मतलब है बिल्डिंग में लगने वाली सारी इंफॉर्मेशन हम वर्चुअल 3D मॉडल में दे सकते हैं और जिस तरह सिविल इंजीनियरिंग के स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं जैसे कि फाउंडेशन, बीम, कॉलम, स्लैब, स्टेयरकेस, फ्लोर, वॉल, डोर, पेंट, टाइल्स, फर्नीचर, मतलब सारी की सारी जानकारी आप इसमें 3D में बना सकते हैं। दोस्तों, यकीन माने यह BIM टेक्नोलॉजी ने अपना काम बहुत ही आसान कर दिया है। कोई भी फिजिकल स्ट्रक्चर बनाने से पहले आप उसका उस स्ट्रक्चर के सारे एरर्स निकाल सकते हो और यह स्ट्रक्चर बनाने के लिए कितना मटेरियल लगने वाला है विद प्रॉपर डिटेलिंग ड्राइंग शीट के साथ बनाया जाता है। दोस्तों, आज के दौर में सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट BIM टेक्नोलॉजी पे बन रहे हैं और इसके लिए मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर है रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर और रेविट MEP। ध्यान से सुनो, ये तीनों सॉफ्टवेयर अलग अलग नहीं है, ये एक ही सॉफ्टवेयर है जिसमें ये तीनों काम हो जाते हैं। आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर और MEP इंजीनियर एक ही साथ काम करते हैं और बहुत सारे मेरे फ्रेशर इंजीनियर ये रेविट सॉफ्टवेयर सीख के टॉप MNC कंपनी में काम कर रहे हैं दोस्तों और अच्छी सैलरी भी कमा रहे हैं। दोस्तों, क्या अभी तक आप मेरे साथ हो? आपको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मैं आपको अच्छी सैलरी और जॉब कैसे मिल सकती है इसके बारे में बात कर रहा हूं। डियर फ्रेशर इंजीनियर, आई एम द फाउंडर ऑफ फ्रेशर इंजीनियरिंग कम्युनिटी एंड माई मिशन इज हाउ फ्रेशर इंजीनियर कैन अर्न मैक्सिमम मनी इन देयर लाइफ बाय डूइंग जॉब इन डिजाइन फील्ड। दोस्तों, मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई सिविल इंजीनियर बोलता है कि रेविट आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर सिविल इंजीनियर के लिए नहीं है। दोस्तों, यह सिर्फ आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिजाइनर के लिए है। दोस्तों, आपको जो कोई भी ऐसी गलत जानकारी बता रहा है उसे नजरअंदाज कर दो, क्योंकि उन लोगों को कोई एक्सपीरियंस, नॉलेज और आगे बढ़ने की चाह भी नहीं है। मुझ पर यकीन करो दोस्तों, आपको रेविट आर्किटेक्चर सीखने के बाद पता चलेगा कि यह कितना इजी है और कोई भी इरेक्शन ड्राइंग बनाना कितना आसान है। दोस्तों, आज 20 साल हो गए यह टेक्नोलॉजी लॉन्च हुए और बुर्ज खलीफा जैसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रेविट सॉफ्टवेयर में ही बनाया गया है। अगले 25-30 सालों में अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री हाईली हाईटेक हो जाएगी और इस डेवलपमेंट के दौर में अगर आप में से कोई पीछे रह जाता है तो मुझे बहुत बुरा लगेगा दोस्तों। दोस्तों, मैं फ्यूचर की और कैसे पैसा कमाया जा सकता है इसकी बात कर रहा हूं।
आपकी इसके बारे में क्या विचार है, इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और सिविल इंजीनियर ने रेविट सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए या नहीं ये भी लिख दो। दोस्तों ध्यान से सुनो, मेरा एक्सपर्ट ओपिनियन है कि ऑटोकैड और रेविट आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर अगर आप करते हैं तो आपका डिजाइन में बहुत अच्छा करियर बन सकता है। ये दोनों ही सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे टॉप के सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। एज अ फ्रेशर इंजीनियर ये दोनों सॉफ्टवेयर आप अगर करते हैं तो यकीनन आपको एज अ फ्रेशर डिजाइन इंजीनियर में एंट्री मिल सकती है। विश्वास कीजिए आपको यह सॉफ्टवेयर सीखना ही चाहिए अगर आपको डिजाइन में करियर बनाना है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में बताइए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और हमेशा की तरह चैनल के साथ जुड़े रहे। जय हिंद, जय भारत।